गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ककून। ककून का मतलब क्या है? आप सब लोग रेशम का कीड़ा देखे हो? रेशम का कीड़ा जो होता है उससे क्या निकलता है? उससे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का इजाद होता है। और वो किस प्रोसेस से ककून से वो बटरफ्लाइज तक का जो सफ़र है, या कैटरपिलर से बटरफ्लाइज तक का वो सफ़र जो है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो किस हिसाब से कंप्लीट करता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, द ककून चैप्टर में। वीडियो को टोटली स्किप मत करना, अच्छे से देखना, चैप्टर को समझने के लिए ट्राई करना, ठीक है। तो सब आप लोग कैटरपिलर देखे होंगे, जो एक ब्लैक कलर का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा जो बोला जाता है, उससे ही एक बटरफ्लाई बनता है। तो क्या हुआ है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आई फाउंड ए ककून डेट ए कैटरपिलर मेड। तो मैंने एक ककून देखा। ककून का मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जो घोंसला वो बनाया होता है उसको बोलते हैं ककून। आई फाउंड ए ककून डेट ए कैटरपिलर मेड, जो कि रेशम के कीड़े के जरिए या उस से बनाया गया है, वो खुद बनाया है, रेशम का कीड़ा बनाया है। मैंने ऐसा एक ककून देखा है जो कि रेशम का कीड़ा बनाया है। फैस्टेंड टू लीफ हैंगिंग इन द शेड। फैस्टेंड टू ए लीफ, इसका मतलब लीफ को, पत्ते को वो आपस में जॉइंट करके उसके अंदर वो अपना घोंसला बनाया है। हैंगिंग इन द शेड, जो कि पत्तों की छाया के अंदर हैंगिंग है, झूला हुआ है, झूल के अपने घोंसले को पत्ते में चिपका के वो बनाया हुआ है। ही बेयरली हैड रूम टू विगिल और विग, उसका जो घोंसला है वो हवा से इधर उधर विगिल हो रहा है या इधर उधर हिल डुल रहा है। लाइक मी जिप्ड अप इन माई स्लीपिंग बैग, जैसे कि मेरा जो स्लीपिंग बैग में एक जिप लगा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक जीप लगा हुआ है मेरे स्वेटर में, ये जीप जैसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे इधर उधर हिल रहा है, उसी हिसाब से पत्ते में जो अपना घोंसला बनाया है कैटरपिलर ने, वो भी हवा से इधर उधर हिल डुल रहा है, जैसे कि मेरा स्लीपिंग बैग का जीप जो चेन होता है वो इधर उधर हिलता डुलता है, उसी हिसाब से उसका घोंसला हवा में इधर उधर हिल डुल रहा है। आई लुक्ड ईच टाइम, मैं उसको हर टाइम देखता रहता हूँ। डैट आई पास्ट हिच वे, जब मैं उस गली क्या या उसके घोंसले के रास्ते से कहाँ गुजर रहा होता हूँ या कहाँ पे जा रहा होता हूँ, तो मैं उसके घोंसले को हर बार चेक करता रहता हूँ या हर बार उसको घोंसले को देखता रहता हूँ। बट ही नेवर वॉक अनटिल जस्ट टूडे। समथिंग हैपेंड, मगर आज क्या हुआ, कुछ अलग दिखाई दे रहा है, मेरे को लग रहा है हर दिन की तरह से उसका घोंसला में कुछ चेंजेस आया है, आज कुछ नया दिख रहा है उसका घोंसला, शायद मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है या कुछ घटना घट गया है। समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ है। द वेट एंड विगिल एंड देन क्लाइम्ब आउट एंड केयरफुली जिगिल्ड स्मॉल वेट विंग्स डेट ग्रीव एस दे ड्राइड हिड टर्न टू ए बटरफ्लाई इन साइड। तो उसके घोंसले में आज जो देखा हूँ कुछ डिफरेंट दिख रहा है, तो उसने घोंसले को अच्छे से देखने लगा, उसके ऊपर चढ़ गया पेड़ में और घोंसले को अच्छे से देखने लगा, तो उसके अंदर क्या था, एक वेट विंग्स, एक वेट विंग्स, एक कीड़ा जो था उसके छोटे छोटे से गीली पंख निकली हुई थी। डेट ग्रू एज डेट ट्राइड, और वो ट्राई कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि ऐसे ऐसे करके अपने बॉडी को हिला डुला के वो कोशिश कर रहा है कि उसकी पंख जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं। डेट ग्रू एज डेट ट्राइड, और जल्दी से जल्दी उसके पंख जो गीला था वो जल्दी से जल्दी सूख जाए। सूखने के बाद क्या हो जाएगा, उसका पंख जो छोटा छोटा दिखता था धीरे धीरे करके वो ग्रीव होने लगेगा, सूख के वो बड़ा दिखने लगेगा। हेड ट्रॉन टू ए बटरफ्लाई इनसाइड, और उसके बाद क्या होगा, उसका जो घोंसला था
वो हिल डुल के अपने जो गीला पंख को वो सुखा रहा था। जब वो सूख जाएगा तो उसका पंख धीरे धीरे करके ग्रीव होके बड़ा हो जाएगा और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कैटरपिलर से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, और अगर कहाँ पे डाउट हो रहा है तो मेरे से फिर सवाल पूछ सकते हो। तो जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, आप सब देखे होंगे कि अपने जो घर होता है, घर में एक रुई जैसे कुछ राउंड आकार का चिपका हुआ देखते हो, तो उसी हिसाब का वो अपना एक घोंसला बनाता है। और घोंसले के अंदर वो क्या करता है, घोंसला तो बना लेता है, घोंसला बनाने के बाद उसमें वो क्या करता है, अपने जो बॉडी में जो हेयर होता है उसको वो रिमूव कर देता है, हेयर को। ठीक है, उस घोंसले के अंदर उसका हेयर सब रिमूव हो जाता है और वो घोंसले के अंदर छिपा रहता है। और धीरे धीरे करके टाइम जैसे क्रॉस होता जाएगा, जैसे टाइम बीतता जाएगा, वो धीरे धीरे करके अपने बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस धीरे धीरे करके करता है। जैसे ही चेंजेस होते होते उसका बॉडी धीरे धीरे करके पतला हो जाएगा और उसमें छोटा छोटा सा विंग्स निकलना शुरू हो जाएगा। तब वो क्या करता है, अपना जो घोंसला होता है घोंसला को फाड़ लेता है और उसमें से वो बटरफ्लाइज बन के उड़ता है, जो कि बच्चों को बहुत प्यारा है, बटरफ्लाइज बहुत पसंद है। और वो बटरफ्लाई इधर उधर घूमता है और हम सब उसको देख के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस ककून चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।